काल कथा भव्य हुई जाले रहुआ सबके हम बताऊं कि सती माई एक तो पति के वचन ना मन ली, दूसर के अपना पति से झूठ बोल ली, जमने के चलते महादेव जी सती माई के त्याग दानी हृदय से। सती ये तन भेंट मोहि नाही, अशिव संकल्प किन मन माही। कथा वही जा पहुंचल हुए कि सती माई अपना मायके नैहर पहुंचल बानी। वो नैहर में सती माई से प्रेम से केहू ना मिलल, प्रेम से एक आदमी मिल रहले के आत्माई, जेकरा के कहल जला माई। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब सती माई देखली कि हमार पिता त हमारा पति के अपमान कैले बड़े, बुलौले नहीं खान, लेकिन चल के जगशाला में हम देखें कि ये जग के आचार्य लोग हमारा पति के पूजा कैले बाकी ना, महादेव जी के पूजा भइल बाकी ना। सती माई जगशाला में गईली तो इमें सबकर स्थान लागा रहे, विष्णु भगवान के भी आसन लागा रहे, लेकिन विष्णु भगवान ओइजा ना पहुंचे रहनी। काहे काहे कि जहाँ शंकर भगवान ना पहुंचे वो जब विष्णु जी जा ही ना सके, काहे कि स्वयं विष्णु भगवान कहिले कि जा पर कृपा न करही पुरारी, आ सो नहीं पाव ही भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, आ सो नर मोही सपने नहीं पावा। अब सती माई जगशाला में गई तो देखत रही कि सबकर आसन लागल बा, महादेव जी के कहीं आसन नहीं थे। तो जावना जग में शिव जी के पूजा ना होके, जावना जग में शिव जी के कथा ना होके, उ जग जग ना ओकर नाम है जागा, अमीला सोले भागा। सती माई गली है जो रामायण में लिखल बा, अरे सती बिलोकिया चाहिए जब जागा, सती बिलोकिया जाई जब जागा, ये कतही न देखिया शंभु कर भागा, महादेव जी के कहीं पूजा ना भई रहे। सती माई दोनों हाथ उठा के वो जगशाला में सभा में खड़ा हो गई ली। सती माई कली के सभा के समस्त लोग सुन ले, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कहीं सुनही जो शंकर निंदा, जे शंकर के निंदा कहेला सुनेला ओकरा फल तुरंत मिलेला। इहे बात कह के सती माई हवन कुंड तर बैठ गई ली, आ योग अग्नि से अपना शरीर के जरा के भस्म कर दहली, योग अग्नि से। लेकिन जरत समय सती माई प्रदान मंगली कि हे महादेव, जब भी ये धरती पर जहां भी हमार जन्म होखे, हमार बियाह रौरे से होखे, हमार दुल्हा रौरे बनी। मानस में लिखल बा कि सती जरत हर सन बर मागा, सती जरत हर सन बर मागा, हे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद हे महादेव जी, जब भी हमार जन्म होके हमार बियाह रौरे से होके। इहे बात कह के सती माई जर गई। इस समाचार शंकर भगवान के पता लागल, लिखल बा रामायण में कि समाचार जब शंकर पाए, आ अति कोप कर वीरभद्र पठाए। इस समाचार सुन के शंकर भगवान जटा उखाड़ के धरती पर पटकनी, पटकनी तो जाए गो वीर प्रकट हो गई, वीर जेकर नाम वीर भद्र परल। का नाम परल आ तनी बोली लो रहु लो,
एने तो बुझा तो लोग जीवतिया भूखल बका वीर के नाम परल वीर भद्र नाम परल तीन आली शंकर जी के परिक्रमा कैले कहले के महादेव जी का आदेश बा शंकर जी कनी आदेश ये बा कि तनी हमरा ससुरारी चल जा आ हमर ससुर एगो जग करता रे आ ओमे बड़ा ने हो तो हरी लो जुटल बा हां जाए के बा आ ढेर ना तनी मनी उथल पुथल मचा देबे के बा आ जितना ने हो तो हरी आइल बड़े छोड़े के नहीं खे अपना भाषा में एकदम नेवता असुल लगे अब वीरभद्र बुझे से बाउर बड़े वीरभद्र चलल बड़े वो जैसे आंधी तूफान भूकंप पूरा धरती हिलावत डुलावत हो जैसे वीरभद्र चलल बड़े जब धरती डोले लागल न तो जितना वही में समझदार ने तो हरी रहल है उ लोग कहल के भाई रे एमे महादेव जी के पूजा नहीं के भइल ए जग में महादेव जी के पूजा नहीं के भइल ए जग में खरमंडल जरूर होई त ए भूमंडल पर खरमंडल होके से पहले अपन अपन कमंडल लेके भागल जावे जैसे भागल जाओ सारा लोग जग में से भागे लागल आ हाला मच गइल अरे नगरिया में एगो वीर भद्र वइले अरे नगरिया में एगो वीर भद्र वइले अब सारा लोग भागता अरे पंडित जी अपन कमंडल लेके भगले पंडित जी अपन कमंडल लेके भगले हरे हजमा भगले बसवड़िया में अरे हजमा भगले बसवड़िया में एगो वीर भद्र वइले नगरिया में एगो वीर भद्र वइले सारा लोग जेने के तेने भागे लागो अब वही जे लोग ना भाग रहे एक बार अपनो यहाँ लोग भाग रहे याद पड़ेला 2015 अरे राम हो राम 2015 याद पड़ेला 25 अप्रैल के हमनी के ऊपर कथा रहे महाराजगंज जिला भिटौली चौराहा 11:30 बजे से हमार समय रहे कथा बोले के साज बाज हमार सेटिंग हो गई पूरा है ना माता बहन लोग बैठल बा है ना पुरुष वर्ग के लोग बैठल बा बीच में है आवे के रास्ता रहे तो गांव के प्रधान जी या हम आचार्य जी तीन जना चल ले बनी सन अब आके हम मंच पर बैठती कथा शुरू हुई आ तले बीच पंडालवा में आनी तो हमार देहिया चक्कर रहल कहने जी आचार्य जी हमारे चक्कर आवता वहाँ कहने जी भाई ट्रेन में आइल बनी नु यही से ट्रेन में अइला पर 2-3 दिन देहिया बुझाला जे ट्रेन में हिलत डोलत बा पहले देखो तनी कि टेंटवा करता है गा आ तले 2 मिनट ना लागल पूरा पंडाल खाली सारा लोग एकदम जोतला खेत पड़े भागे लागल हम कनी के आचार्य जी अरे चक्कर नहीं खेवत महाराज जी भूकंप आइल बा भूकंप तब ओ जैसे भगनी हम आचार्य जी से कहनी अरे 25 अप्रैल के हड़कंप आ गइल अरे 25 अप्रैल के हड़कंप आ गइल अरे भागी भागी ये आचार्य जी भूकंप आ गइल भागी भागी ये आचार्य जी भूकंप आ गइल आए 25 अप्रैल के हड़कंप आ गइल 25 अप्रैल के हड़कंप आ गइल भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गइल आए भागी भागी प्रधान जी भूकंप आ गइल एक आदमी थोड़े भागल एक आदमी भागल गौवा में देखल बने जे 4 दिन के कोनिया आई रही नू वो जोतला खेत पड़े भागो चमारवा में अरे बूढ़ी ओ भागेली भागेली बहुरानी अरे बूढ़ी ओ भागेली बहुरानी आ साधु बाबा भगले छोड़ के अपन पालानी साधु बाबा भगले छोड़ के साधु बाबा भगले छोड़ के अपन पलानी हारे लागे जैसे देहिया में जंप आ गई लागे जैसे देहिया में जंप आ गई
भागी भागी पारा थान जी भूकंप आ गए भागी भागी पारा धान जी भूकंप आ गए आई ऐसन बेरा भूकंप आई रहे ऐसन बेरा कि केहू नहात केहू खात रहे खाना आ हलचल बाबा जात रहले गावे खातिर गाना अरे केहू नहात केहू खात रहे खाना आ हलचल बाबा जात रहले गावे खातिर गाना सारा लोग पंडालवा में से भाग गए सारा लोग एक जना बूढ़ऊ काका नेपाल से आंख बनवा के आई ले नेपाल से उ करीका चश्मा लगा के पंडाल में बैठल बड़े लाठी लेके अब हलचल बाबा के कथा शुरू होला उनका का मालूम बा जे कथा के पूर्णावती हो गइल बा लोग भाग गइल बा तले बूढ़ऊ के बूढ़ियो देखली बूढ़ियो बूढ़ियो कहली कि आही बाप अरे सब लोग भाग गइल हमार बूढ़ावा तो बैठल रह गेलै ए दादा अब बुढ़ियो दौड़ल बारी आ जाके बुढ़ऊ के हाथवा धो के कहतरी अरे लागे जैसे दुनिया के अंत आ गईल अरे लागे जैसे दुनिया के अंत आ गईल आगे भाग भाग हमार बुढ़ऊ भूकंप आ गईल हे भाग भाग हमार बुढ़ऊ भूकंप आ गईल अपने यहाँ से लोग भाग रहे वही राजा दक्ष के यहाँ से लोग भागता आ दक्ष के यहाँ से लोग भागे नु वीरभद्र जान तनी का करस वीरभद्र केहू के दोनों अखिए फोड़ देस त जेकर अखिए फोड़ देस नु वही टोवते भागे जाए तो अखिए नु गइल बा पारा नमत बाचल बानु केहू के एगो गोड़वे काट लेस जेगो जेकर एगो गोड़वा काट लेस नु उ एके गोड़ पर कूदकत भागे का हो जाए दे एके गोन गोड़ गइल बा एगो केहू के एगो हथवे काट लेस आया गवा नारद जी खड़ा होकर पूछी जेकर दोनों अखिया फूटल रहे नारद जी पूछनी तब जी कहाँ गई रनी है उ कहते रहे जे राजा दक्ष के नेवता में गई रनी है का भइल है आ तो दोनों आँख नेवता को के लौटल बनी वी आई पी नेवतरी बुझाता नहीं लो जी केहू आँखें नेवता को दियल केहू हाथे नेवता को दियल है अब विचार करी तब वीरभद्र गईल है जगशाला में जहाँ राजा दक्ष बैठा रहले वीरभद्र का कैले जे राजा दक्ष के मुड़ी काट के मुड़ी काट के वही बड़ा हवन कुंड में ट्रांसफर कर दल हाँ हवन कुंड में डाल दल राजा दक्ष के मुड़ी जर गई शरीर हवन कुंड के कगरी परल बा शंकर जी के सास जेकर नाम अश्विनी रानी रहे वो राजा दक्ष के शरीर के लगे आके रोवतारी कहतारी कि रउरा के बार बार कहने की शिव जी से बैर मत करी लेकिन रउआ मननी ना कि कहे रनिया रोई रोई हमार गति अब कौन होई मानला ना हमारी कहानवा सजानवा हो अरे कहे रनिया रोई रोई हरे हमार गतिया कौन होई मनला न हमरी कहाना वा सजानवा हो शिवजी से पायर भइल जीवन के ना खयर भइल काटल गो इल तोहर कार दानवा सजानवा हो अरे काटल गो इल तोहर कार दानवा सजानवा हो प्रेम से बोली शंकर भगवान की अब सब लोग ब्रह्मा जी के लगे गए ब्रह्मा जी सब देवता लोग के लेके शंकर जी के लगे गई नहीं आ शंकर जी के जाके सबे प्रार्थना करता महादेव जी महादेव जी प्रसन्न होई प्रसन्न होई प्रसन्न होई त देवता होके त शंकर जी नियर देवता होके त शंकर जी नियर
ना खिसिया ते देरी आ ना मन ते देरी रहू। अगर घर के गार्जियन बानी नू तो शंकर जी के लक्षण अपना अंदर ले ली। अगर घर परिवार में केहू गलती करो तो तनी खिसियाई डांटी डपती ए बोली आ टाइम से 10 बार एगो रोटी आव तो खा के चदरा ओढ़ के सुत जाई। हां आना तो मेहरारू कहती है जे खा ल रहू कह के न खो मेहरारू कह जे ना खाइबे तो सुत उपास ही सुते के पछाई। ऐसे शंकर जी के लक्षण अंदर ले ली। अब सब देवता लो शंकर जी के प्रार्थना करता तनी रहू लो प्रार्थना करी। अरे केहू कहे लाया घर दानी अरे केहू कहे ला पी शहर ए बाबा आ केहू नाही पियल रौरा पी गई नी जहर ए बाबा केहू ए बाबा केहू नाही पियल रौरा पी गई नी जहर ए बाबा केहू कहेला यो घरदानी केहू कहेला बिसहर ए बाबा केहू नाही पियल तरुआ पी गईनी जहर जहर समुद्र मंथन के बेरा देवता लो प्रार्थना करता। अरे तो केहू दानी ना हो दानी ओ घरदानी कहेला केहू दानी महादानी ओ घरदानी कहेला अरे तो केहू केहू रौरा के अगम जानी कहेला। ताली बजत रहा केहू केहू रौरा के अगम जानी कहेला अरे भूत पिचास सेवारा भूत पिचास सेवारा अरे करे लया ठो पहर ये बाबा के हो नाही पियल रौरा पी गई ने जहर ए बाबा ए बाबा के हो नाही पियल रौरा पी गई ने जहर। हेलो हेलो हे महादेव जी जिंगनिया ओइजा लोग के सही कहनी ठीक कहनी समस्या के होगा हेहू जब बहुत सेवक लोग आइल बा सबके समस्या ठीक कर दे। अरे तब बाबा टुन टुन हल चल जी के नैया पार करी ना तो जितना सेवक लोग आइल बा सबके उधार करी ना तो जितना सेवक लोग आइल बा सबके उधार करी ना। अरे रौरे तो पासावल हट जवन रउआ काशी में जाइले ओकर नाम काशी है बाद में बनारसी नाम काहे पड़ गए। इन्हें उत्तर दिशा में गंगा ओने वरुणा नदी आ ओकरा बगल में साइड से असी नदी बा असी नदी तो वरुणा नदी और असी नदी के मिला के नयापुर ओकर नाम बनारसी पड़ गए बनारसी वरुणा नदी और असी नदी के मिला के असी नदी के मिला के तो ई काशी नगरी के कर बनावल ह। अरे रौरे तो पासावल हट हई बनारस जैसन शहर ए बाबा के हो नाही पियल रौरा पी गई नी जहर ए बाबा ए बाबा के हो नाही पियल रौरा पी गई नी जहर ए बाबा। प्रेम से बोली शंकर भगवान की। अब महादेव जी खुश भईनी जितना लोग के अंग भंग भई रहे सही भई आ तब लोग कहल कि तनी है नहु ध्यान दियाओ अपना ससुर जी के तरफ सास जी बड़ी रुवतारी शंकर जी कनी ठीक बताई कर मूड़ी कहा बा मूड़ी वीरभद्र कहले के मूड़ी मूड़ी तो वही बेरा काट के हम हवन कुंड में डाल दो मूड़ी जर गई तब कौन दूसरा जीव के मूड़ी लिया वालों जी राजा दक्ष के जीवन दान दिया
तबीर भद्र गई ले सोचले कि ये राजा दक्ष बहुत कामी पुरुष है, इसीलिए इसके शरीर में कामी जीव का ही मुड़ी जोड़ा जाएगा। तो संसार में सबसे कामी जीव बकरा होला। बकरा वीरभद्र गई ले बकरा का मुड़ी काट के लिए ले, और राजा दक्ष के शरीर से धड़ से वो बकरा का मुड़ी जोड़ल गई। हमारा सनातन धर्म में सबसे पहल का सर्जरी शंकर जी कैले रहनी राजा दक्ष के, इंसान के शरीर में बकरा का मुड़ी जोड़ले रहनी। ध्यान दे जितना बात बा हमारा सनातन धर्म से बाहर कहीं नहीं के। एबरा लोग कहता साइंस आगे बा, एक आदमी हमारे से प्रश्न कर दहले कि हलचल बाबा ये बताई कि प्राकृतिक आगे बा कि साइंस आगे बा। हम कहने कि साइंस प्राकृतिक से परे नहीं है। कल जे बताई भगवान बड़ा बड़े कि साइंस बड़ा बा। हम कहने भगवान बड़ा बड़े तो कतर ठीक बा, भगवान बड़ा बड़े तो भगवान रुवे के दू गो आंख दिले बड़े नो तो हाँ आंखिया से रुवे कौ किलोमीटर ले देखी ले। हम कहने जो खूब देखे तो 3 से 4 किलोमीटर ले मने लौक जाई। कल कि तब तो भगवान फेल बड़े साइंस आगे बा। साइंस दूरबीन बनौले बा कि वो दूरबीन से रहुआ 20 किलोमीटर देख सकता नहीं, 20 किलोमीटर दूरबीन से देख सकता नहीं। हम कहनी ठीक बा बाबू जब साइंस आगे बा आए भगवान ओइसन बा कौन मशीन साइंस बनौले कि एने से घास डाली भूसा डाली चोकर खियाई पानी पियाई और सवेरे रहुआ के एक बाल्टी उजर प्रोटीन वाला दूध दे दे। बा कौनो मशीन कि प्रोटीन वाला दूध दे दे घास भूसा डाल के, लेकिन भगवान के बनावल मशीन देख खरी खियाओ तनी चोकर खियाओ तनी भूसा खियाओ तनी अब सवेरे रहुआ के अमृत एक बाल्टी दे देती है, दे देती है कि ना कहा भैंस। ध्यान देवे के बा तब प्रकृति कबो आगे बा। अब राजा दक्ष के जीवन दान मिलल। राजा दक्ष वैया से लवट के अइले आ के फिर दोबारा जग शुरू कइले। दोबारा ध्यान देव हमारा बतिया पर फिर दोबारा जग शुरू कइले आ दोबारा जग शुरू भइल आ वो जग में महादेव जी के पूजा भइल आ तब जाके वो जग पूरा भइल। प्रेम से बोली शंकर भगवान की तो ओ जग के महादेव जी पूरा कइले आ एहू जग के महादेव जी पूरा करे, लेकिन खाली तनी तनी हमने के सहयोग देवे के बा। सहयोग खाली तनी तनी सहयोग त इतना लोग बैठल बा ए जग के पूर्ण करे खातिर। सती माई अगला जन्म में जाके जन्म ले तारी कहवा तनी बढ़ जाए रुआ शांति छोड़ दिया मुका लोग के। वह सती माई के अगला जन्म होता के कराई हां राजा हिमांचल के घरे। राजा हिमांचल के धर्म पत्नी के नाम का रहे केहू बोले तो मैं शिव चर्चा ला होके तो का नाम रहे मैना रानी का नाम रहे और काकी कह तेरी बेना रानी आई हो दादा कमे सुना तब बुझा दे मैना रानी नाम रहे। आ वो मैना रानी के गर्भ से जन्म होता। पर्वत राज के पुत्री रहली ऐसे उनकर नाम पार्वती परल, गोरा रहली ऐसे उनकर नाम गौरी परल। आज राजा हिमांचल के घर में बेटी भइल बड़ी। वाह वाह बेटी भइल बड़ी। आ बेटी के भइला में राजा हिमांचल अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती लुटावत रहे कि हमारा घर बेटी के जन्म भइल बा। बेटी के उ कैसन समय रहे, उ कैसन समय रहे कि बेटी के भइला में अन्न धन सोना चांदी लुटावल गई। आ एगो एहू बेरा के समय बा, एहू बेरा के अगर ए बेरा बेटी घर में जन्म ले ले उनु ओकरा बाबूजी के मुंह की ओर ताकि ना बुझाई जे फेनाइल के गोली खा लेले बड़े का भइल बा हो कहिया जे बेटी भइल बिया बुझा दई करे के काटत ही यार। अरे बेटी में और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। बेटी न होती तो ये सृष्टि न होता। प्रकृति के स्वर्ग भूमि पे विस्तार पड़ा है नारी का। जल के ऊपर पहले पहल प्यार पड़ा है नारी का। नारी को नहीं दुर्बल जानो, नारी आदि भवानी है। नारी दुर्गा नारी लक्ष्मी नारी ही चंडी रानी है। सत्यमान को मिली थी नारी, नया जीवन अपनाया था। चरण पकड़ के तुलसीदास ने गुरु मंत्र बनाया था। नारी पे लुट गए कौरव, कृष्ण दिए पांडव के साथ। दशरथ जी तन छोड़ चले, समझ न पाए नारी के बात। अगर बेटी ना होती तो ये सृष्टि ना होता। मैं आज भी हर एक मंच पर ये बात कहता हूं कि बेटी से प्रेम करना सीखो, बेटी से नफरत करना मत सीखो।
लेकिन आज की समय वो है कि बहू चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए, छाया चाहिए वृक्ष लगाना नहीं चाहिए, दूध तो चाहिए गौ पालना नहीं चाहिए, अरे बाप माई का संपत्ति चाहिए लेकिन बाप माई नहीं चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। बेटा में और बेटी में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा, वॉल्यूम कम करके। अगर बेटा आपका वंश है तो बेटी आपकी अंश है, अंश। अगर बेटा आपका वंश है तो बेटी आपकी अंश है। बेटा यदि मान है तो बेटी आपकी शान है। बेटा यदि आन है तो बेटी आपकी गुमान है। बेटा यदि आपका संस्कार है तो बेटी आपकी संस्कृति है। बेटा यदि आपका गीत है तो बेटी आपकी संगीत है। बेटा यदि आपका दवा है दवा तो बेटी आपकी दुआ है दुआ। अगर और सीरियस तबीयत खराब बा बेटा ले जाके दिल्ली बम्बई इलाज करावता, संजोग बस अगर बेटी हो या ना पहुंच पावल, ओ बेटी भगवान के सामने घुटना टेक कर दीपक जलाकर हाथ पर भगवान से दुआ मांगेगी, फरियाद करेगी, हे प्रभु हे ईश्वर सब कुछ हो जाना चाहिए लेकिन मेरे बाबू जी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बाबू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा तुम्हारा प्रेम है तो बेटी तुम्हारी पूजा है, पूजा। हम तो पूजा करने बैठते हैं तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु बेटा कितना हूं देना लेकिन आंगन में एक बिटिया जरूर देना। एक बिटिया ही है जो अपने पापा की सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। जो बाप घर भर का ख्याल रखता है लेकिन घर की बेटी अपने पापा की ख्याल रखती है। पिता कहीं से आता है तो बेटी ही दौड़कर पूछती है, पिताजी पानी लाएं, पिताजी खाना लाएं, कुछ नाश्ता किए कि नहीं किए। बेटी ही इतना चिंता बाप की रखती है। इतना लोग बैठे हैं, मेरे वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना। बेटी जब आपके घर में जन्म लेती है ना, पांच चीज लेकर आती है। पांच चीज क्या क्या? प्रेम, खुशी, उत्साह, लक्ष्मी और शक्ति। शक्ति पांच चीज लेकर आती है। देखिएगा जब बेटी थोड़ा बड़ी होती है ना, घर में कितना प्रेम बिखरती है, सबको एक प्रेम के धागा में बांध कर रखती है। दौड़कर पापा को खाना देना, दौड़कर मम्मी को खाना देना, दौड़कर बाबा को खाना देना, सबको एक प्रेम के धागे में बांध कर रखती है। और बेटी जब बड़ी होती है तो घर में कितना खुशी रहता है, उसके चहचहाट से अंगना गुलजार रहता है। और बेटी का जब शादी तय होता है ना, तो आज तक किसी के बेटी का शादी लक्ष्मी बगैर बाकी नहीं लगा है। पता नहीं किसी न किसी रूप में कहीं से ना कहीं से लक्ष्मी आ ही जाती है। और इतना ही नहीं, बेटी का जब शादी तय होता है ना, पता नहीं लड़की के बाप के शरीर में इतना शक्ति कहां से आ जाता है। जब से शादी तय हुआ बाप थकता नहीं है। दिन दिन भर मेहनत करना, दिन दिन भर मजदूरी करना, खाना खाया तो खाया, नहीं तो खा लिए, बेटे काम पर दौड़ गया, क्योंकि बेटी की शादी नजदीक आ गई है। धन नहीं कमाऊंगा तो मैं अपने बिटिया को कहां से दूंगा। बाप कभी थकता ही नहीं है, दिन दिन भर मजदूरी करता है। लेकिन बेटी का ज्यों ही विदाई होता है, बेटी का डोला ज्यों ही बाप के घर से गया, ये पांचों चीज घर से चला जाता है। पांचों चीज, प्रेम भी चला जाता है, खुशी भी चला जाता है, उत्साह भी चला जाता है, लक्ष्मी भी चली जाती है, और बाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। शक्ति भी बेटी के विदाई के बाद कोई लड़की के बाप से जाकर के बात करे, लड़की के बाप एक ही बात बोलता है, अरे यार मत बोलो, अब मेरे पास बोलने का भी शक्ति नहीं रह गया, बिटिया चली गई, बाप के शरीर से शक्ति भी चला गया। बिटिया, इसलिए बेटी से प्रेम करना सीखिए, बेटी से नफरत नहीं। लेकिन आजकल के लोगों से हम पूछेंगे, अरे बेटा भइला पर बाजे सो रहो बजनमा,
अरे बेटी भइला पर तू खित मनवा हो बोल काहे बोल काहे अरे काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोल काहे ए काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोल काहे हरे बेटा भइला पर बाजे सुर हो बजनवा अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो बोल काहे काहे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोल काहे हम दुनिया के लोगों से कहेंगे कि एक दिन बेटिए नो बन जाली केहू के माई आ जदि माइए ना रही बेटा के जान माई एक दिन जदि माइए ना एक दिन बेटिए नो बन जाली केहू के माई जदि माइए ना रही बेटा के जाना माई अरे धीरे धीरे भइल जाता बेटी के पता नवा अरे जेकरा से बटई पता नवा हो बोल काहे काहे त काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोल काहे काहे गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोल काहे तब बेटी ले जाता सुख बेटा देना ही पाई बेटी ले जादा सुख बेटा देना ही पाई तब माई औरी बाबूजी कहे धन पाराई हरे अपने त जाली बेटिया न का भवनवा अरे माइया में बसेला परनवा हो बोल काहे अरे त काहे गर्भ में मरल जाता जनवा हो बोल काहे ये काहे गर्भ में मरल जाता जनवा हो बोल काहे ध्यान दीजिएगा बाप के मृत्यु पर बेटा रोता है चलता है पतो भी रोती है सब लोग रोता है लेकिन बाप के मृत्यु पर जब बेटी आती है ना वो एक किलोमीटर फरके रहेगी तभी पता चल जाएगा कि बिटिया आ गई बिटिया पहुंच गई ऐसे चिघार मार कर रोती है आ खटला वृक्ष की तरह गिर जाती है कहती है कि आज मेरे मायका ही चला गया मेरा बाप गया और मायका भी चला गया बाप एक ऐसा है ना जी माँ का भी रोल निभाता है और पिता का भी रोल निभाता है अगर बेटी का छोटे छोटे बच्चे हैं तो नानी के तरह गोदी में लेकर खिलाता भी है मार्केट से मिठाई भी लाता है देख रेख भी करता है अपने बाप से सबसे ज्यादा प्रेम इस दुनिया में कोई करती है तो बेटी करती है पुत्र पढ़ रहा है दिल्ली लखनऊ एक बार भी फोन करके नहीं पूछेगा कि पिताजी खाना खाए कि नहीं नाश्ता खाए कि नहीं लेकिन बेटी जब फोन करेगी तो उसका पहला शब्द यही होगा पिताजी खाना खाए हैं कि नहीं कि खुद लोगों की सर पे है लोग समझ रहे हैं तो इसलिए बेटी से नफरत नहीं बेटी से प्रेम करना सीखे एगो महतारी के गर्भ में बेटी रहे अल्ट्रासाउंड करावल लोग उचर गेल की बेटी भी आ पति पत्नी राय करता लोग बिहने दवाई तरह के खिया दे ये गर्भ के नुकसान कर दे बेटी ही कहाँ से खर्चा आई राय करके सुतल लोग तो वह दिन आधा रात में उ पेटवा में के लड़की अपना माई के सपना देखौल
कलश की माई, अरे मौत के सजाए तो ओकरा के दिहल जला जे हद से ज्यादा गलती कैले रहेला। हम तो अभी तारा गर्भ से बाहरों ना भईनी, आखिर हम कौन गलती कैले बानी कि तू हमरा के गर्भे में मारे के चाहतरु। अरे माई हमरो दिल में ललसा बा कि तनी दुनिया में जन्म लेती, अपना आंखी से देखती कि हमरा के जन्म देवे अली हमर माई कैसन बाड़ी, हमर पालन करे वाला हमर पिता कैसन बड़े, हमरो दिल में सरदा बा। लड़कियां रोवतिया अपना माई से कहती है सपनवा में, अरे माई जानी है जे कोखिया में धिया बिया तोरा, तक कोखिये में दिए जानी मार, अरे माई जानी है जे कोखिया में धिया बिया ये, अरे माई जानी है जे कोखिया में धिया बिया तोरा, त कोखिये में दिए जानी मां, मोरे मन लाला साबा इतने की तहरी सुरतिया अखिया से लेहती निहार, मोरे मन लाला साबा इतने की तहरी सुरतिया अखिया से लेहती निहार, मोरे मन लाला साबा इतने की तहरी सुरतिया अखिया से लेहती निहार, उस सपना में लड़कियां कहती है माई हमरो दिल में सरदा बाकी हम घर के लोग के देखती, अरे कैसन बाड़े मोरे बाबा त कैसन पापा बाड़े हो कैसन भैया हमारे, एक लड़की के आत्मा का पुकार है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बीच में खड़ा मत होइए कोई, कैसन बाड़े मोरे बाबा त कैसन पापा बाड़े हो कैसन घरवा दुआर, अरे माई कैसन बाड़े है गौआ नगरिया कैसन बाड़े भैया हमार, अरे माई कैसन ध्यान देव हमारा बात पर। उ लड़कियां सपनवा में कहती है माई हमरा के जन्म लेवे द, हमरो लालसा बानू कि तनी तू नैहर जाइतो न त तहरा संगे मामा के घरे जाइती, मामा के घरे हमरो श्रद्धा बा का, आ मामा के यहाँ जाइती त का करती, मामा से मिठाई मंगवाईती मौसी के गोदिया बैठी खाईती हो धाई धाई आंगना दुआर, मामा से मिठाई से मिठाई मांगा वही ती मौसी के गोदिया बैठी खाईती हो धाई धाई आंगना दुआर, अरे माई एक राती नानी से कहानी सोनी लेती सुतती हम धैया कवार, अरे माई एक राती
नानी से कहानी सोनी तो यहन सोचा तारू की बेटी होई तो खर्चा ढेर लगी नाना माई नाना तो यहन सोचा तारू की बेटी होई तो बियाह होई तो दहेज कहाँ से दिया तो सुन ला हमार लालसा जवने तू देबू तवने खाई बटाला बजाई बहो कहल करबो तोहार जवने जवाने तू देबू तवने खाई बटाला बजाई बहो कहल करमो तोहा आरे माई सदिया से पहिले जहर खाके सुतब नहीं बनब कपारा के भार आरे माई सदिया से पहिले जहर खाके आरे माई सदिया से पहिले जहर खाके सुतब नहीं बनब कपड़ा के भार आई सामाजिक चेतना भजन है अच्छा लगल हो के तो ताली बजाई तो सामाजिक भजन के करा अच्छा लगल प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की अब जब माई मैया पार्वती के अवतार भइल बा तो अब जन्म भइल बा तो जन्मे तरे कथा के रह दियल जाओ एजा से आगे बढ़ाए तो कथा कौन मोड़ पर ले जाके रोकल जाला एजा से आगे बढ़ाए तो डेढ़ घंटा और समय लगे।